सो गाइज, ओडिया से एक के बाद एक काफ़ी ट्रेलर टीजर ड्रॉप हो रहे हैं। तो सिद्धांत महापात्रा सर की मूवी का आई थिंक कुछ दिन पहले 3 वीक्स एगो ट्रेलर आया था। सिद्धांत महापात्रा सर की एक फिल्म है शंकर नाम से उसका, तो उनकी एक और फिल्म का टीजर आया है कटक मूवी, जिसका हमने शायद अनाउंसमेंट टीजर देखा था, फर्स्ट लुक अनाउंसमेंट टीजर ऐसा कुछ था। तो वो हमने देखा था, उसका रिएक्शन किया था, उसका आया है ऑफिशियल टीजर आज ही। तो मैंने सोचा चलो आज आ ही चुका है तो देख लेते हैं सिद्धांत महापात्रा सर की इस फिल्म का टीजर। एंड इस बार तो हम बिल्कुल भी लेट नहीं होंगे क्योंकि आज ही टीजर आ चुका है। जैसे कि हमारे पिछले वीडियोस थोड़ी देर से लेट आए थे, तो आज तो ऐसा नहीं होगा। कतक मूवी का हम बिल्कुल टाइम पर वीडियो बना रहे हैं, तो चलिए देख लेते ये टीजर कैसा है। एंड सिद्धांत महापात्रा सर को देखने का फिर से मौका मिल गया, यही बहुत है। तो चलिए टीजर देख लेते हैं, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। लेट्स स्टार्ट। कटक मोर दिस दशहरा। ओके भाई साहब, तो सिद्धांत महापात्रा सर फिर से तैयार है अपने एक्शन पैक अवतार में फिर से एक बार आपके दिलों पर और हमारे दिलों पर राज करने के लिए। सो सिद्धांत महापात्रा सर को, जैसे कि मैंने कहा, उनको एक एक्शन वाले अवतार में देखने का मजा ही कुछ और होता है। एंड इसमें तो वो फुल ऑन एक्शन मूड में है एंड बहुत ही धमाकेदार एक्शन सीन्स कर रहे हैं। जिस तरह से वो बहुत ही खतरनाक सीन्स थे, कुछ काट छाट हो रही थी, मारधाड़ हो रही थी, तो वो काफ़ी खतरनाक लगा मुझे एंड थोड़ा सा ऐसा डरावना भी फील हो रहा था। सो ये मूवी काफ़ी खतरनाक होने वाली है, आई थिंक बहुत ही डरावनी होने वाली है। इनकी जो पिछली मूवी का हमने ट्रेलर देखा, शायद शंकर, हाँ शंकर का हमने ट्रेलर देखा, सो वो भी एक्शन मूवी थी, लेकिन इस मूवी में कुछ अलग बात है। जो एक्शन सीन्स वगैरह है एंड जिस तरह से सिद्धांत महापात्रा सर के कैरेक्टर को एकदम परफेक्टली दिखाया, मतलब जिस तरह से दिखाना चाहिए एक एक्शन हीरो को, उसी प्रकार इसमें दिखाया। वो जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से उनकी एंट्री होती है, जिस तरह से वो एक्शन सीन्स करते हैं, एक अलग लेवल का स्वैग उनके हर एक अंदाज में दिखाई देता है। एंड वो लास्ट में एक डायलॉग बोलते हैं, कटक मोर, तो उसका मीनिंग मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। वो कुछ मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने क्या बोला। सो आई थिंक ये मूवी बहुत बड़ा ब्लास्ट करेगी एंड ब्लॉकबस्टर भी होगी मल्लागिरी के बाद। मल्लागिरी मूवी जैसी है वैसी ये मूवी मुझे लग रही है। सो क्या कुछ होगा ये सब हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी रिलीज़ होने वाली है दशहरा को, उसके पहले आएगा इसका ट्रेलर। सो मैं ट्रेलर देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि टीज़र इतना खतरनाक है तो ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा डरावना एंड खतरनाक होगा एंड मूवी भी उतनी ही भयानक होने वाली है। सो सिद्धांत महापात्रा सर को ऐसे देखकर काफ़ी मज़ा आया एंड मुझे ये जो पोस्टर है ना वो काफ़ी पसंद आया। वो जिस तरह से बैठे हुए हैं एंड सीरियसली पोस्टर बहुत ही बढ़िया एडिट किया है। तो आप लोगों को ये टीज़र देखकर क्या लगता है, आपको शंकर एंड कटक मूवी में कौन सी मूवी बेस्ट लगती है या फिर कौन सी मूवी का ट्रेलर टीज़र आपको पसंद आया, ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट पे बताइए। आप किस मूवी के लिए एक्साइटेड हो एंड यहाँ पर कितने लोग सिद्धांत महापात्रा सर के फ़ैन हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए कि सिद्धांत महापात्रा सर की मूवीज़ के लिए आप कितने एक्साइटेड हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में किसी और नए सॉन्ग, टीज़र या ट्रेलर के रिएक्शन या फिर के साथ। लेकिन उसके पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स का काउंट बढ़ता है वैसे ही मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है एंड हमारी फैमिली बड़ी भी होती जाती है। सो 5K के काफ़ी करीब है हम एंड हमें आगे भी बढ़ना है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।